नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आप सभी का स्वागत है। बनाया तो क्या खास मुद्दे थे? हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, बुजुर्गों की जो पेंशन 2000 रुपये थी, हमारी पार्टी आते ही 5100 रुपये लागू कर देगी और उनको बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को बैंकों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 5100 रुपये हैं उनका पेंशन, वो घर पहुँचेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी। जो प्राइवेट स्कूलों में आज तक लगाम नहीं लगी फीस के ऊपर, वो लगेगी। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे। उसी तर्ज पे जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको भी वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है क्राइम का, उस क्राइम का खात्मा करेंगे। बिंदल जी, अपने यहाँ पर जो है, क्योंकि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं वो उनको किस प्रकार से आप काउंटर करोगे? देखिए, अगर आप काम करने की बात करते हो तो हमारी 2 बार डिबेट भी हो चुकी है। उस डिबेट में भी ये साबित हो चुका है, हमने भी उनसे सिर्फ मांगे 5 विकास 5 साल में। वो 5 साल में 5 विकास नहीं गिनवा पाए, तो विकास तो यहाँ पे हुआ ही नहीं और ना यहाँ पे कोई काम हुआ है। तो जो काम हुआ ही नहीं तो उस बारे में, उस मुद्दे में बात क्या करें। तो अभी आपके सामने सबसे बड़ी 3 जो बातें हैं यहाँ सोनीपत के लिए, ये तो आप जो कर पूरे प्रदेश की बात कर रहे थे ना अभी, लेकिन आप सोनीपत के लिए पहले जो है 3 चीज़ विशेष क्या करना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि हम देंगे सोनीपत को बाईपास। गोहाणा में, खरखुदा में बाईपास, और हमारे सोनीपत में आज तक एक भी बाईपास नहीं है। दूसरा, जो फ्लाईओवर बना गया है गीता भवन चौक से लेके मंडी का, वहाँ जाने का रास्ता तो है, आने का रास्ता नहीं है। बिना किसी रोड मैप के ये फ्लाईओवर बनाया गया। दूसरा, यहाँ पे आज भी बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं है। ये ऐसे 3 मुद्दे हैं जिन पे हमारी सरकार आते ही पहले कलम से ही काम करेगी। आपके क्षेत्र की तो यहाँ पर महिला नेत्री जो भाजपा की हैं वो तो मंत्रालय उनके पास में था, उसके बाद में ऐसी स्थिति क्यों है, क्या मैं? इसीलिए हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये बातें बोलनी पड़ती हैं कि वो वर्तमान विधायक भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके जो जनाब पति हैं वो मीडिया सलाहकार भी हैं खट्टर जी के। अब इतनी बड़ी बड़ी पद होने के बावजूद भी वो अपने शहर का विकास नहीं कर पाए, बहुत दुख होता है इन बातों से। धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।